आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त किस तरह की खबरें भारत देश में गर्दिश कर रही है। भारत देश में जिस तरह से खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये चौंकाने वाली है, परेशान कुन खबरें हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई खुशी का माहौल नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ देखे बस फसाद की, नफरत की हवाएं चल रही है और जहाँ बजा यही काम चल रहा है कि लोगों को इसमें ढकेल दिया जाए और जो राजा, जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, उससे कोई न पूछ सके, क्योंकि ये हुकूमत आज तक कुछ भी नहीं कर सकती भलाई के काम। न इन्होंने रोज़गारी के लिए कुछ किया है, न इन्होंने महंगाई को कम करने के लिए कुछ किया है, न इन्होंने हॉस्पिटल, कॉलेजेस और लोगों के लिए ज़रूरत की अशिया किए हैं, बल्कि इनके दौरे हुकूमत में सिर्फ नफरत की आग के सिवा कोई चीज़ नहीं चल रही है। आप देखें जिस तरह से इनके जो प्रवक्ता है, नूपुर शर्मा है, नवीन जिंदल है और भी कई स्वामियाँ जो है एक पर्टिकुलर एक कौम को बर्बाद करने की और उनसे नफरत करने की और मारने और काटने की बात करते हुए आ रहे हैं। मगर इन चीज़ों को गौर करने के बजाय जब मुसलमानों के नबी को जब इस तरह की बातें की गई तो वो एक जोश खरोश में अपनी जान माल की परवाह न करते हुए प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्ण। उनके ऊपर जब पुलिस कार्रवाई करती है और उन्हें पकड़कर उनके जब मुजरिम पाए जाते हैं उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ देती है। ये कौन सा कानून इस देश में चल रहा है? और सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं कि ऐसे चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकत होंगी तो लोगों को, दुनिया को पता चलेगा कि इस वक्त भारत देश में कोई भी राज यानी कानून नहीं चल रहा है, बल्कि एक दादागिरी और एक नफरत और एक जो है अपने आप को जो कानून के हवाले में लेते हुए, पुलिस प्रशासन को लेते हुए लोगों पर जुल्म करने का काम चल रहा है। ये काफ़ी शर्म की बात है और लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब अदालतें हो, हमारे देश के सदर प्रेसिडेंट है, उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत तो देख रहे हैं आप, तमाशा बनी हुई है, हुकूमत से किसी को उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन मजबूर है क्योंकि वो जो है हुकूमत के दायरों में, अदारों में और उनके इशारों पर चलने की उनकी बात है और उनके बगैर वो कुछ कर भी नहीं सकते। इस तरह के हरकत जब आएंगे तो देश का हाल क्या होगा और देश की आने वाली नस्लें किस तरह का भारत इस दुनिया में देखना पसंद करेंगी। जिस तरह से योगी के दौर में और यूपी के सहारनपुर के बच्चों को जिस तरह से जेल में मारा जा रहा है और बीजेपी के प्रवक्ता ने इस वीडियो को लेकर रिलीज़ किया है, ये भी अजब बात है। ये वीडियो रिलीज़ करने का मकसद क्या है? किस तरह से हिंदू लोगों में एक मोहब्बत पैदा करके और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम मुसलमानों से किस तरह नफरत करते हैं और किस तरह से उनका हाल हम बनाएंगे। आप हमें जो है वोट दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इससे भी बदतर इन मुसलमानों की हालत हम करेंगे। आप हमारे हैं, हम आपके। इस तरह का धोखा हिंदू भाइयों को भी देने वाले, देश को नुकसान पहुंचाने वाले ये लोग जो हैं, इनसे हमारी अपील है कि आप लोग बचें और अपने देश के लिए आगे बढ़कर आएं। और ऐसी नफरत पैदा करने वाली हुकूमतें हों, कोई भी हो, पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो मुसीबत हम सब पर आ पहुंची और फिर हम देश के लिए नुकसान पहुंचाने के काबिल बन सकें। आइए, हम सबको चाहिए कि हमारे देश को बचाने के लिए और इस नफरत की आग को मिटाने के लिए आगे आना चाहिए। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना